नमस्कार दोस्तों वेलकम टू पीके क्लासेस दोस्तों आईसी इंजन परफॉर्मेंस हाउ टू इवेलुएट द परफॉर्मेंस ऑफ आईसी इंजन हियर आई एक्सप्लेन डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ आईसी इंजन परफॉर्मेंस लाइक ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शंस बायोमेट्रिक इफिशियंसी इंडिकेटेड थर्मल इफिशियंसी ब्रेक थर्मल इफिशियंसी एंड एयर फ्यूल रेशो टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आईसीजन परफॉर्मेंस इवेल्युएशन एंड एज ए डेफिनेशन एर राइट शार्ट नोट फर्स्ट व्ही डिस्कस अबाउट ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इसको हम शार्ट में बी एस एफ सी के नाम से भी रिप्रेजेंट करते हैं ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन क्या होता है और इसको कैसे फाइंड किया जाता है तो दोस्तों जो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है इट इज द रेशो ऑफ द मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर एंड ब्रेक पावर मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर एक घंटे के अंदर कितनी मात्रा में हमारा जो फ्यूल है वो खपत हो रहा है एक लीटर हो रहा है दो लीटर हो रहा है तो मीन्स मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर अपॉन ब्रेक पावर ये जो है ये कहलाता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन इसको हम ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के नाम से या इस शार्ट में बी एस एफ सी या स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन के नाम से भी जानते हैं ब्रेक पावर आपने नाम सुना होगा ब्रेक पावर जो इंजन के सिलेंडर से कनेक्टिंग रॉड के थ्रू ट्रांसमिट होकर इंजन की शाफ्ट साफ्ट मीन शाफ्ट पे पहुंचता है वो पावर आपका ब्रेक पावर कहलाता है और ब्रेक पावर होता है टू पाई अपान एन टी अपॉन सिक्सटी जिसमें एन नंबर ऑफ रिवेल्यूएशन से टी आपका होता है टॉर्क, और टॉर्क आप कैलकुलेट कर सकते इफेक्टिव लोड इन रेडियस जो कि हम एक वीडियो में आपको ऑलरेडी अपलोड किया है जिसमें ब्रेक पावर इंडिकेटेड पावर एंड मैकेनिकल इफिशेंसी जो है ऑलरेडी बता चुके हैं तो यहाँ पे हम इसको मेंशन नहीं किए अब यहाँ पे जो इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन है इसको आई एस एफ सी से डिनोट करते हैं एंड इंडिकेटेड स्पेसिफिक फ्यूल कंजप्शन जो आपका होता है ये हमारा एम एफ अपन आई पी मीन्स मास आ फ्यूल कंज्यूम्ड के जी पर आवर अपॉन इंडिकेटेड पावर तो ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजन आपको ध्यान रखना है ये होता है मास ऑफ फ्यूल कंज्यूम्ड पर आवर टू द ब्रेक पावर इन दोनों का जो अनुपात होता है रेशो होता है ये कहलाता है ब्रेक स्पेसिफिक फ्यूल कंजन सेकेंड है बायोमेट्रिक इफिशेंसी अब बायोमेट्रिक इफिशेंसी जो है ये एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ एयर टू द स्विफ्ट वॉल्यूम या इट इज द रेशो ऑफ मास ऑफ एयर सप्लाई इनटू द इंजन सिलेंडर डूरिंग सक्शन स्ट्रोक मींस किस किस का अनुपात होता है मास ऑफ एयर सप्लाई इनटू द इंजन सिलेंडर डूरिंग द सक्शन स्ट्रोक सक्शन स्ट्रोक के दौरान कितना एयर का मास है जो सिलेंडर के अंदर सप्लाई हो रहा है या ड्राइन हो रहा है जा रहा है टू द मास ऑफ एयर मासपोर्डिंग टू द स्विफ्ट वॉल्यूम इन दोनों का जो रेशो या अनुपात होता है ये हमारा कहलाता है बायलोमेट्रिक एफिशेंसी अब बायलोमेट्रिक एफिशियंसी की यदि हम बात करें तो बायोमेट्रिक इफिशियंसी को मैथमेटिकल हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्चुअल मास फ्लो रेट ऑफ एयर अपॉन स्विफ्ट वॉल्यूम ऑफ दिस्टन जिसमें एक्चुअल मास फ्लो रेट को वी ए से डिनोट किया जाता है एंड वॉल्यूम को आपको मालूम है वी एस से रिप्रेजेंट करते हैं ओके नाउ इंडिकेटेड थर्मल इफिशेंसी अब इंडिकेटेड थर्मल इफिशेंसी की बात करेंगे तो ये इंडिकेटेड थर्मल इफिशेंसी में इंडिकेटेड पावर का अप्लाई किया जाता है और ब्रेक थर्मल इफिशंसी में ब्रेक पावर की बात होती है तो इफिशियंसी आपको मालूम है आउटपुट अपॉन इनपुट होती है तो यहां पे जो इनपुट आपकी बात हो रही है वो हो रही है मास ऑफ फ्यूल इनटू कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल हीट का मालूम चलेगा कि के इतने केजी या इतना फ्यूल को जलाने से इतना मात्रा में हीट उत्पन्न होगी प्रोड्यूस होगी तो इंडिकेटेड थर्मल इफिशेंसी है जो इट इज द रेशो ऑफ द इंडिकेटेड पावर टू द हीट सप्लाई मैथामेटिकल आई पी अपन एम एफ इन सी बी मींस किस किस का अनुपात है इंडिकेटेड पावर टू द हीट सप्लाई अब इंडिकेटेड पावर आपको मालूम है कैसे कैलकुलेट करते हैं पी एम ई मतलब मीन इफेक्टिव प्रेशर पी एम ई एल ए एन अपान सिक्सटी एल लेंथ ऑफ स्ट्रोक एन नंबर ऑफ रिवाल्युएशन तो पी एम ई e, मतलब ये तो आपका सिर्फ मीन इफेक्टिव प्रेशर है एल ए एन एल स्ट्रोक ए एरिया एरिया आपका डायमीटर से निकलेगा पाई बाय फोर इंटू डी स्क्वायर सिलेंडर का डाया दिया है तो यहां से आप इंडिकेटेड पावर को कैलकुलेट कर पाएंगे अपन मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलरफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल इससे हमारी इंडिकेटेड थर्मल इफिशेंसी है जो कि कैलकुलेट की जाती है फोर्थ आपका पैरामीटर्स है ब्रेक थर्मल इफिशेंसी तो ब्रेक थर्मल इफिशेंसी जो रेशो होता है वो ब्रेक पावर अपॉन हीट सप्लाई का रेशो होता है एंड ब्रेक पावर वह पावर है जो सिलेंडर से ट्रांसमिट होकर इंजन के क्रैंक साफ्ट के ऊपर पहुंचता है अब इसके बीच में कनेक्टिंग रॉड लगी होती है क्रैंक होती है तो बीच में कुछ पावर हमारा लॉस हो जाता है जो पावर लॉस होता है उसको हम फ्रिक्शनल पावर बोलते हैं और जो इंजन के अंदर उत्पन्न होता है वो इंडिकेटेड पावर जो इंजन के सिलेंडर से ट्रांसमिट होकर इंजन की साफ्ट पे क्रैंक साफ्ट पहुंचता है वो ब्रेक पावर तो ब्रेक थर्मल इफिशेंसी जो होती है ब्रेक पावर अपॉन हीट सप्लाई होती है तो हीट सप्लाई में मास ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू अब देन नेक्स्ट जो है आपका एयर फ्यूल रेशो एयर फ्यूल रेशो कैसे फाइंड किया जाता है अब एयर फ्यूल रेशो हमारा आप जानते हैं कि एयर फ्यूल रेशो अक्सर हमारा पेट्रोल इंजन में आता है क्योंकि एयर और फ्यूल मिक्स होके सिलेंडर में जाता है कहां से कार्बोरेटर से अब कार्बोरेटर में जो हमारा एयर फ्यूल मिक्स होता है तो किस अनुपात में मिक्स होता है इन दोनों का जो अनुपात होता है वही हमारा क्या कहलाता है एयर फ्यूल रेसो कहलाता है यहां पे इट इज द रेसो ऑफ द मास ऑफ एयर एंड मास ऑफ फ्यूल सप्लाई टू द इंजन ये किस किस का अनुपात होता है मास ऑफ एयर एंड मास ऑफ फ्यूल सप्लाई टू द इंजन इंजन में जो सप्लाई होती है उसमें कितना मात्रा कितना मास हमारा एयर का है और कितना मास फ्यूल का है द थर्ोटिकल करेक्ट एयर फ्यूल रेशो एज फिफ्टीन यदि हम थर्ोटिकल एयर फ्यूल रेशो की बात करें तो यह फिफ्टीन होता है और कंबस्टन के लिए हम इसकी वैल्यू लेते हैं ट्वेल्व टू नाइनटीन मीन्स एंड फॉर कम्बन ऑफ एयर फ्यूल टेक इन रेंज ऑफ ट्वेल्व टू नाइनटीन मैथामेटिकल एयर फ्यूल रेशो मास फ्लो रेट ऑफ एयर एम ए अपॉन मास फ्लो रेट ऑफ फ्यूल एम एफ इसके थ्रू हम इंडिकेट करते हैं अब है सिक्स नंबर पैरामीटर आईसी इंजन परफॉर्मेंस में मैकेनिकल इफिशियंसी तो मैकेनिकल इफिशियंसी होती है जो इट इज द रेशो ऑफ ब्रेक पावर टू द इंडिकेटेड पावर ब्रेक पावर टू पाई एन टी अपन सिक्सटी के थ्रू कैलकुलेट के होगा टी टॉर्क है यदि लोड दिया है और डाया दिया है तो रेडियस इफेक्टिव लोड इनटू रेडियस से हम टॉर्क को फाइंड करेंगे और एन हमें गिवन होगा तो टू पाई एन टी अपन सिक्सटी बाट में हम ब्रेक पावर निकालेंगे इंडिकेटेड पावर पी एम एल ए एन अपन सिक्सटी तो जिसमें पी एम तो मिन इफेक्टिव प्रेशर होता है एल स्ट्रोक लेंथ होती है अगेन हम बता रहे हैं ए एरिया ऑफ दिलेंडर और एन नंबर ऑफ रिवाल्युएशन तो इन दोनों का जो अनुपात है इसको हम क्या बोलते हैं मैकेनिकल इफिशियंसी सेवेंथ पैरामीटर है, है फ्रिक्शनल पावर फ्रिक्शनल पावर जो होता है ये हमारा डिफरेंस बिटवीन इंडिकेटेड पावर एंड ब्रेक पावर फ्रिक्शनल पावर इज डिफाइन एज द डिफरेंस बिटवीन किस किसके बीच का डिफरेंस है इंडिकेटेड पावर और ब्रेक पावर का जो अंतर आता है वो हमारा फ्रिक्शनल पावर कहलाता है फ्रिक्शनल मतलब जो घर्षण के कारण जब पावर हम ट्रांसमिट करते हैं तो कुछ लॉस हो जाता है उसको फ्रिक्शनल पावर बोला जाता है तो एप पी इक्वल आई पी माइनस बी पी तो आप ध्यान रखें आईसी इंजन के परफॉर्मेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन हैं कंप्रेशन रेस हो, हो गया बोर हो गया स्ट्रोक हो गया ये अक्सर हमारी छोटी छोटी सी डेफिनेशनस हैं जो आईसी इंजनस में भी पूछी जाती हैं और आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स में पूछ ली जाती हैं लाइक ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आईसी इंजन थर्मोडाइनमिक्स में गैस पावर साइकिल और बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग आई होप आप समझ गए होंगे दीज डेफिनेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम तो दोस्तों जो भी छत पी के क्लासेस से अभी भी नहीं कनेक्ट हुए हैं वो चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें थैंक यू